पीटीआई का नवाज शरीफ पर भी बानी एमक्यूएम की तरह पाबंदी का मुतालबा। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि नवाज शरीफ भगोड़े हैं, पाकिस्तान वापस आएं और कोर्ट को भी इज्जत दें। वोट को इज्जत देने की बात करने वालों ने नोट को इज्जत दी। मुस्लिम लीग की तंजीम साजी दिन को नहीं रात को होती है। लगता है पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। आपकी हिस्ट्री सबको पता है, डॉन लीक्स कोई भूला नहीं है, कारगिल कोई भूला नहीं है, जिंदाल से रिश्तेदारी कोई भूला नहीं है, मूवी की अम्मा की साड़ी कोई भूला नहीं है, सब सब कुछ सबको याद है। आज नवाज शरीफ ये वो लोग, नवाज शरीफ वो जबान बोल रहा है जो अल्ताफ हुसैन बोल रहा था। लंदन में पता नहीं पानी में क्या मिल गया है जाकर, कि जो वहां का पानी पीता है वो ही बक 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 करने लगता है। पाकिस्तान में अफरा तफरी पलाने के और गलत बात करने के, उसमें अल्ताफ हुसैन पे बैन लगा, नवाज शरीफ के ऊपर भी इस मुगलजात बकने के ऊपर बैन लगना चाहिए। वैसे भी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग नाइट पार्टी बन चुकी है। वो कल तलाल साहब कह रहे हैं रात को 3 बजे मुझे कॉर्नर मीटिंग के लिए, सियासी मीटिंग के लिए बुलाया था।